प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे गणित कक्षा 6 में प्रश्नावली 1.2 अपनी संख्याओं की जानकारी। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, किसी स्कूल में चार दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे, और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः ₹1,094, ₹2,850, ₹2,751 टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, हमें सवाल को अच्छे से समझना है और फिर उसे हल करना है। किसी स्कूल में चार दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम यानी चौथे दिन खिड़की पर क्रमशः 1,094, 1,812, 2,050 और 2,751 टिकट बेचे गए। चारों दिन अलग अलग टिकट बेचे गए। अब हमें इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो हम सभी पहले दिन कितने बेचे, दूसरे दिन कितने बेचे, तीसरे दिन कितने बेचे, चौथे दिन कितने बेचे, इनकी जोड़ कर लेंगे तो हमें कुल टिकटों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। हल कर लेते हैं। पहले दिन 1,094, दूसरे दिन 1,812, तीसरे दिन 2,050 और चौथे दिन 2,751। इन सब के हमें जोड़ करनी है। 4 और 2 6, 6 और 1 7, 9 और 1 10, 10 और 5 15 और 5 20, 20 का 0 हासिल लगा। 2, 2 और 8 10, 10 और 7 17, 17 का 7 हासिल लगा। 1, 1 और 1 2, 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7,707 यार है कुल योग। कुल योग
यहां हम इनके सामने लिख सकते हैं पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन और यहां पे आप चौथा दिन या अंतिम दिन लिख सकते हैं, अंतिम दिन। फोलियो कितना आया? 7,707। हम लिख सकते हैं जो प्रश्न पूछा कि चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या कितनी है, 7,707। हम लिख सकते हैं अतः चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या 7,707 थी। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, हम इस प्रकार से सवाल को हल कर सकते हैं। समझ में आ गया? अगला सवाल नंबर 2। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक छह हजार नौ सौ अस्सी रन बना चुका है। वह दस हजार रन पूरे करना चाहता है उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? सवाल समझ लीजिए। शेखर कितना रन बना चुका है? 6,980 रन बना चुका है। 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो कितने रनों की और आवश्यकता है? 10,000 में से हम जितने रन बना दिए 6,980 ये घटा लेंगे, तो हमें कितने रन और बनाने हैं वे हमें प्राप्त हो जाएंगे। 10,000 में से 6,980 घटा लेना है। जीरो में जीरो घटाएंगे, जीरो जीरो में से 8 निकले, यहां से यहां पे भी कुछ नहीं, ये यहां से उधार लेगा, यहां पे कुछ नहीं, ये यहां से उधार लेगा, एक उधार देगा, यहां बचेगा जीरो, यहां हो जाएगा 10। 10 में से एक आगे देना है तो यहां बचेगा 9 और यहां हो जाएगा 10। 10 में से एक आगे देना है तो यहां बचेगा 9 और यहां हो जाएगा 10। 10 में से 8 घटाना है 2, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 6 घटाएंगे 3, कितने 3,020। 10,000 रन पूरे करने हैं तो आप लिख सकते हैं रन पूरे करने हैं, 6,980 रन
बना चुका है, तीन हजार बीस रन और आवश्यकता, और हम लिख सकते हैं अतः शेखर को दस हजार रन पूरे करने के लिए तीन हजार बीस रनों की और आवश्यकता है। यह हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला तीसरा, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने पांच लाख सतहत्तर हजार पांच सौ पांच लाख सतहत्तर हजार पांच सौ मत प्राप्त किए, मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने तीन लाख अड़तालीस हजार सात सौ मत प्राप्त किए, सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, हल कर लेंगे। सफल प्रत्याशी ने प्राप्त किए पांच लाख सतहत्तर हजार पांच सौ, निकटतम यानी जो सेकंड रहा उसने तीन लाख अड़तालीस हजार सात सौ मत प्राप्त किए, तो वह जो जीता वो कितने मतों से जीता, तो जो उसने प्राप्त किए और जो उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने प्राप्त किए वे घटा लेंगे इसके वाले मतों में से, तो कितने मतों से चुनाव जीता ये प्राप्त हो जाएगा, पांच लाख सतहत्तर हजार पांच सौ, इसमें से तीन लाख अड़तालीस हजार सात सौ घटा लेना है, तो जो चुनाव जीता वह कितने मतों से जीता प्राप्त हो जाएगा, जीरो में जीरो घटाएंगे जीरो, जीरो में जीरो घटाएंगे जीरो, पांच में सात नहीं घटे, पांच सात से उधार लेगा सात एक उधार देगा, यहां बचेगा छह, यहां हो जाएगा पंद्रह, पंद्रह में सात घटाएंगे आठ, छह में से आठ नहीं घटेगा, छह सात से उधार लेगा सात एक उधार देगा, यहां बचेगा छह, यहां हो जाएगा सोलह, सोलह में से आठ घटाएंगे आठ, छह में चार घटाएंगे दो, पांच में तीन घटाएंगे दो, कितना आया
228,800, वो कितने मतों से जीता? 228,800 मतों से जीता। तो 577,500 सफल प्रत्याशी के मत, सफल प्रत्याशी के मत यानी वोट। 3,48,700 निकटतम प्रतिद्वंदी के मत, निकटतम प्रतिद्वंदी के मत। 228,800 मतों से चुनाव जीता। ये हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, हमें जवाब देना सफल प्रत्याशी कितने मतों से चुनाव जीता। लिखेंगे सफल प्रत्याशी ने चुनाव 228,800 मतों से जीता। यह हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगला सवाल, चौथा, कीर्ति बुक स्टोर ने कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में ₹285,891 मूल्य की पुस्तकें बेची, मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में ₹4,768 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची, मूल्य की पुस्तकें बेची। गई दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई? और कितनी अधिक?
अब इसमें दो प्रश्न पूछे हैं। देखिए कीर्ति बुक स्टोर ने जून में कितनी 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची और दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची, तो दोनों सप्ताह में मिलाकर कुल कितनी बिक्री हुई, पहला ये ज्ञात करना है। हल कर लेते हैं। दो लाख 85,891 और इसमें 4,768, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 8 में जोड़ेंगे 9, 6 में 9 जोड़ेंगे 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 8 में जोड़ेंगे 9, 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 8 का 8 4 और 2 6, 6,86,659 ये हुई कुल बिक्री, दोनों सप्ताहों की कुल बिक्री हुई। अब ये दूसरा किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितनी अधिक, तो कौन से सप्ताह में अधिक हुई, दूसरे सप्ताह में कितनी अधिक हुई, दूसरे सप्ताह में जो बिक्री हुई उसमें जो पहले सप्ताह में बिक्री हुई ये घटा लेंगे, 4,768 में से 2,85,891 घटा लेना है, 8 में से घटाएंगे 7, 6 में से 9 नहीं घटे 6, 7 से उधार लेगा 7, एक उधार देगा बचेगा 6, क्या हो जाएगा 16, 16 में से 9 घटाएंगे 7, 6 में से 8 नहीं घटे, यहां से उधार लेंगे यहां पे कुछ नहीं, यहां से लेंगे यहां कुछ नहीं, यहां से लेंगे 4, एक उधार देगा यहां बचेगा 3, यहां हो जाएगा 10, 10 में से एक आगे देना है तो यहां बचेगा 9, यहां हो जाएगा 10, 10 में से एक आगे देना है यहां बचेगा 9 और यहां हो जाएगा 16, 16 में से 8 घटाएंगे 8, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, कितना 1,14,877 ये अधिक बिक्री, यह लिख देंगे 2,85,891 रुपए प्रथम सप्ताह, ये 4,768 रुपए दूसरा सप्ताह, छह लाख 86,659 रुपए कुल बिक्री, और यहां पे था दूसरे सप्ताह या दूसरा सप्ताह ये रुपए प्रथम सप्ताह, और ये रुपए अधिक बिक्री, कौन सा सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री। हमें दोनों ही प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला जो प्रश्न पूछा दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, तो लिखेंगे दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर छह लाख या हम रुपये पहले लिख देते हैं, रुपये ये रुपये का चिन्ह है, 6,86,659 की बिक्री हुई, ये हमारे पहले प्रश्न का जवाब हुआ। दूसरा है किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितनी अधिक, लिखेंगे दूसरे सप्ताह में कितनी 1,14,877
सॉरी रुपये पहले लिख देते हैं, ठीक रहेगा, रुपये एक लाख 14,877। दूसरे सप्ताह में रुपये 1,14,877 की बिक्री अधिक हुई। अधिक हुई ये हमारे दोनों ही प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। समझ में आ गया? चौथा सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं, पांचवा अंकों छः, दो, सात, चार और तीन में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए पांच अंकों की बनाई जा सकने वाली पांच अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। सवाल समझ लीजिए, अंक दिए हुए, ये पांच अंक दिए हुए, एक दो तीन चार पांच अंक दिए हुए हैं। इन अंकों का प्रत्येक केवल एक बार ही प्रयोग करना है और इनसे बनने वाली पांच अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी और उनका अंतर ज्ञात करना है। हल कर लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो बड़े अंक को पहले लिखना है, सात, उसके बाद छः, चार, तीन, दो, ये है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या छोटे अंकों पहले लिखना, दो, तीन, चार, छः, सात, ये है सबसे छोटी संख्या। अंतर ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा लेंगे। यहां देखिए, दो में सात घटाएंगे, नहीं घटेगा, दो तीन से उधार लेगा, तीन एक उधार देगा, यहां बचेगा दो, यहां हो जाएगा बारह, बारह में सात घटाएंगे पांच, दो में छह घटाएंगे, नहीं घटेगा, दो चार से उधार लेगा, चार एक उधार देगा, यहां बचेगा तीन, यहां हो जाएगा बारह, बारह में छह घटाएंगे छह, तीन में चार घटाएंगे, नहीं घटेगा, तीन छह से उधार लेगा, छह एक उधार देगा, यहां बचेगा पांच, यहां हो जाएगा तेरह, तेरह में से चार घटाएंगे नौ, पांच में तीन घटाएंगे दो, सात में से दो घटाएंगे पांच, कितना आया 52,965 हम लिख सकते हैं। अतः दोनों का अंतर
दोनों का अंतर 52,965 है और ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये सवाल था पांचवा। अगला सवाल, सवाल नंबर छह, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेच बनाए? तो विद्यार्थियों इसे भी हल कर लेते हैं। मशीन औसतन एक दिन में कितने पेंच बनाती है? 2,825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? तो आपको ये ध्यान होना चाहिए जनवरी में कितने दिन होते हैं। जनवरी में दिन होते हैं 31, तो आपको एक दिन में जो पेंच बनाए उसका गुणा 31 से करेंगे तो जनवरी 2006 में कितने पेंच बनाए ये प्राप्त हो जाएगा। एक दिन में कितने बनाते हैं? 2,825 और जनवरी में दिन कितने होते हैं? 31, तो गुणा करना होगा 31 से। एक का गुणा 5 से करेंगे 5, एक का 2 से करेंगे 2, एक का 8 से करेंगे 8, एक का 2 से करेंगे 2। पहले के नीचे कर दूसरे से लिखेंगे, 3 का गुणा 5 से 3 पंजे 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 3 वटा 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। अब हम इनको जोड़ लेंगे, 5 का 5, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 4 2 6 और 1 7, 8 का 8 कितना है? 87,575। हम लिख सकते हैं अतः मशीन ने जनवरी 2006 में 87,575 पेंच बनाए। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो विद्यार्थियों आज की क्लास के लिए यहां तक। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने गणित कक्षा 6 में प्रश्नावली 1.2 में सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 6 तक के सवालों का अभ्यास किया, उनको हल किया। आने वाले जो अगली क्लास में हम आगे वाले जो सवाल हैं उनको हम हल करेंगे। तो विद्यार्थियों आप भी इन सवालों को समझते हुए अभ्यास कीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा समझ करके अभ्यास करते हैं उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाते हैं। विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजार को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।
नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।